मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत इमिग्रेशन अहदाफ में तब्दीलियों को मुस्तरद नहीं कर रही। कैनेडियन हाउसिंग मिनिस्टर का कहना है कि नए आने वालों की तादाद को कम करने की ज़रूरत नहीं, हाउसिंग चैलेंजेस का जवाब तलाश कर रहे हैं। शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन मुमकिन तौर पर रूस रवाना। सरबरा शुमाली कोरिया और रूसी सदर प्यूतिन की मुलाकात बुध को हो सकती है। रूस को जदीद हथियारों की सप्लाई से मुतालिक बातचीत मुतवक्के। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke housing minister ka kehna hai ki wafaqi hukumat apne immigration ahdaaf mein tabdiliyon ko mustarad nahi kar rahi hai. Mazeed jante hain is report mein. कनाडा के हाउसिंग मिनिस्टर का कहना है कि वफाकी हुकूमत अपने इमिग्रेशन अहदाफ में तब्दीलियों को मुस्तरद नहीं कर रही है, लेकिन ये बरकरार रखती है कि मुल्क को इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि वह हाउसिंग की फराहमी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, जब यह हाउसिंग के मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए आता है। एक इंटरव्यू में शॉन फ्रेजर का कहना था कि जब हम इमिग्रेशन की सतह की मनसूबाबंदी के मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो हम अजाइम और इमिग्रेशन को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियों को कम्युनिटीज़ की सलाहियत के साथ बेहतर तौर पर हम आहंग करना चाहते हैं, जिसमें हाउसिंग, सेहत की देखभाल, इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। शॉन फ्रेजर ने कहा कि उनका ख्याल है कि वफाकी हुकूमत के पास अपने आर्जी इमिग्रेशन प्रोग्रामों के साथ कुछ काम करना है जो फ़िलहाल गैर महदूद तरीके से मांग की बुनियाद पर काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी तौर पर नए आने वालों की तादाद को कम करने की ज़रूरत नहीं है। हर साल मुस्तकिल रिहायशी बने, उन्होंने नोट किया कि उनमें से तकरीबन निसफ अफराद का पहले से ही आर्जी रिहायशियों के तौर पर कनाडा में होना एक आम बात है। ताहम कोई भी तब्दीली करने से पहले शॉन फ्रेजर ने कहा कि वफाकी हुकूमत को दीगर सतहों से मशवरा करना होगा, क्योंकि ये फैसला करना कि कौन से इदारे बैनुल अक्वामी तलबा को लेकर सूबाई हुकूमतों के दायरा कार में हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुल्क के हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए होने वाली बातचीत को सिर्फ इमिग्रेशन के गिर्द घूमना नहीं चाहिए। वजीर ने कहा कि ये अहम है कि जब हम अपने हाउसिंग चैलेंजेस का जवाब तलाश कर रहे हैं तो हम इस बात पर भी तवज्जो मरकूज करें कि हम सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि हम याद रखें कि इमिग्रेशन आलमी मईशत में कनाडा के मजबूत तरीन मसाबकती फवायद में से एक है। कैनेडियन मार्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन ने अंदाज़ा लगाया है कि मुल्क को 2030 तक 3.5 मिलियन मजीद घर तामीर करने की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त जिस रास्ते पर है उससे हाउसिंग की सस्ती की कुछ अलामत हासिल करने में मदद मिलेगी। शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन मुमकिन तौर पर रूस रवाना हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन मुमकिन तौर पर रूस रवाना हो गए। जुनूबी कोरियन मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबरा मुमकिन तौर पर बजरिया ट्रेन रूस रवाना हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरबरा शुमाली कोरिया और रूसी सदर प्यूतिन की मुलाकात बुध को हो सकती है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने खबरदार किया था कि यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार दिए तो शुमाली कोरिया को कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी अखबार ने किम जोंग उन की रूसी सदर प्यूतिन से रवामा मुलाकात की खबर दी थी। अमरीकी मीडिया का कहना था कि किम जोंग उन रवा महीने बख्तरबंद ट्रेन में रूस का दौरा करेंगे।
दोनों रहनुमा रूस को जदीद हथियारों की सप्लाई से मुतालिक बातचीत करेंगे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।